बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। आई होप आप लोग ठीक हो, खैरियत से होंगे। और मैं अलबत्ता ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी काफ़ी टाइम से। मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी, और ये भी मेरे व्लॉग जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अभी दो दिन पुराना है। ये मैं अपनी गई हुई थी नंद के घर, वहाँ पर उनकी बेटी की सालगिरह थी, तो बस उसके लिए गए थे। उन्होंने बुलाया तो नहीं था, लेकिन हम लोग जाते हैं हर दफ़ा, तो उन लोगों को यही उम्मीद होती है कि ये दोनों तो आएंगे लाजमी। तो बस उसकी सालगिरह विश करने गए थे। और ये है कि यहाँ पे मैं आप लोग दिखा रही थी उनके किचन में जाके खाना, जो कि उन्होंने बिरयानी बनाई थी, वो बहुत ही यम थी। और बच्चों ने चीज़ें फैलाई हुई थी, बच्चे खेल रहे थे। तो बस ये थोड़ा सा मैंने व्लॉग शूट किया था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी भी आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी लग रही होगी, मैं दवा लेकर नहीं आई थी, बस टैबलेट वगैरह घर के टोटके सब कुछ चल रहे थे। तो खैर, काफ़ी टाइम से तबीयत सेट नहीं थी, और घर के काम ही बस अल्लाह का शुक्र है निमट रहे थे, और कोई दूसरा काम नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे आ चुका था केक, और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे केक काटने के। बच्ची बैठी हुई इसकी थी, माशाल्लाह 5 साल की हो गई है, मेरे बड़े बेटे की एज की है ये भी। और इस दिन मेरे छोटे बेटे की बहुत तबीयत ख़राब थी, इसकी इतनी खांसी थी, इसकी दवा भी ली थी हमने उस दिन, तो दवा वहीं पर ही मैंने अपने लड़के ही पिलाई ली थी, तो थोड़ी बेहतर हुई थी इसकी तबीयत उस वक्त। वरना फिर मेरी भी तबीयत ख़राब, फिर बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाना, फिर उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल समझती होंगी वो माएँ जिनके छोटे बच्चे हैं। तो खैर, यहाँ पे केक कट चुका था, और ये दादी की गोद में अपने बैठी हुई है। और यहाँ पे सब बच्चे, किसी को भी नहीं बुलाया था, बस वही हैं भाई भाभी और उनकी जिठानी देवरानी, उनके बच्चे, तो बस यही सब आए थे। बुलाया किसी को नहीं था, सब छोटे छोटे गिफ्ट लेके आ गए थे और खुशी से आए थे सब। और सब ने फिर खाना खाया था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी, कोल्ड ड्रिंक बच्चों से छुप के पी गई थी, किचन में ही जाके पी, बस हाथ पे भी नहीं रखवाई थी मैंने ना। तो यहाँ पे हम लोग शाम के टाइम आए थे, हमने नाश्ता वगैरह किया था, उसके बाद ये सालगिरह का सिलसिला स्टार्ट हुआ था। बच्चों ने खूब सजाया था, बैलून जो कुछ लेकर आए थे बच्चे, बच्चियाँ, उसकी बड़ी बहन और कजन्स वगैरह, उन लोगों ने कमरा सजा दिया था। बस बच्चों ने जितना सजा सके, फिर भी अच्छा लग रहा था कमरा। और ये इन्होंने फाड़ दिए, मैंने कहा जिसकी सालगिरह थी उसने ही नहीं फाड़े थे गुब्बारे, और तो सबने फाड़ दिए। और यहाँ पे केक की कटिंग करनी थी मेरी नन की जिठानी, सबको बराबर से फिर हमने केक तकसीम कर दिया था पहले, तो उसके बाद खाना हमने खोला था। केक सबने खा लिया था, फिर उसके बाद बच्चों को तो आप लोगों को पता है बस पड़ जाती गिफ्ट खोलो, ये इन्होंने बासिल अपना गिफ्ट खोला था, सूट और प्राइज दिए थे, किचन से वगैरह लिया था मैंने, तो वही सब खोल ले, तो ये बच्चों ने लिया था, उनकी कजन्स नहीं देखी, प्लास्टिक का कोई सेट था, अलमारी किचन के ही था, बल्कि डिस्पेंसर वगैरह था, ये डॉल थी, कपड़े कपड़े ये भी थे उसके। और मैंने एक फ्रॉक दी थी, और ये इनकी दादी ने गिफ्ट करी थी गुड़िया, तो बस हर एक चीज़ इनकी पसंद की थी। तो बस आप लोगों को तो पता ही है, खिलौने मिल जा रहे हैं बच्चों के, जो खिलौना उसको खोल के दे रहे हैं, पिछले खिलौने ही देखे इस तरफ पड़े हुए थे, इनको भूल गए, लेकिन वो हाथ में जो खिलौना था ना, बस वो याद। तो इसके साथ शरारत भी कर रहे थे हम लोग के भाई लेके जा रहे हैं हम तुम्हारे खिलौने, तो नहीं देख ही नहीं रहे, तो 2-3 खिलौने इनके पास थे इनके पसंद के, तो इनको दूसरे खिलौने देख ही नहीं रहे थे। तो खैर, यहाँ पे खुल चुका था खाना, 9:30 बजे का टाइम हो रहा था ये, और मैं हम लोगों ने खाना वाना खाया था, थोड़ी देर बैठे थे, फिर हम लोग घर आ गए थे। घर पे भी मैंने बेटे को दवा दी और फिर सुला दिया था, मैंने भी दवा खा के मैं भी सो गई थी। और चले, फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।